सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस कंपनी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आते नजर आई है, जिसके चलते आप लोग देखोगे शेयर में काफ़ी ज़्यादा उफान आया हुआ है। क्या खबर आई है डिटेल में जानेंगे, साथ के साथ आप लोग देखोगे आज फिर से जो 20% का सर्किट है वो स्टॉक ने हिट कर लिया है। तो यहाँ से आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर, क्या न्यूज़ आई और उसे एक न्यूज़ के कारण स्टॉक आप देखोगे कहाँ से कहाँ पर आप पहुँचा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। 5.7 मिलियन की आज के दिन वॉल्यूम आते नजर आए, यानी 57 लाख के आसपास आज वॉल्यूम लगी है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से आप लोग देखोगे अभी भी 28% के फॉल पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए भी जानते हैं पहले क्या न्यूज आई है, उसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्या लेवल्स वगैरह हो सकते हैं। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट्स काफी ज्यादा खराब आते नजर आए, यहां पर देखे भी होंगे आप लोग देखोगे लगभग 74% के आसपास जो इसका प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर से वो टूटते नजर आया है, ठीक है, और रिवेन्यू भी आपने देखा वो भी टूटा है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आते नजर आई है प्रॉफिट और जो इसके रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। तो इन सब के चलते आप लोग देखोगे तो नेगेटिव आए हुए रिजल्ट्स, तो फिर भी स्टॉक में तेजी बनी हुई है। आप लोग देखोगे इंट्राडे में 20% का स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और वन मंथ में आप लोग देखोगे 35% का रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई यहाँ पर इस शेयर में लास्ट में आकर जो ये उछाल आया एकदम से इतनी गजब की तेजी बनी है ये क्यों हुई है और ये कहां तक हमें जाते नजर आएगी, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी कल के दिन 8 जून को ये अपडेट आते नजर आई थी कि कंपनी ने एक यहां पर आप लोग देखोगे साइनिंग एग्रीमेंट हुआ है। जी हां, साइनिंग एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ हुआ है ये मेन चीज है। ये होते हुए नजर आया है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। जी हाँ, टेस्ला कंपनी आपको पता ही है भाई किसकी है, इलॉन मस्क की, जो कि अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन है नंबर एक पर। तो उनके साथ आप लोग देखोगे इतनी बड़ी ये कंपनी है, उसके साथ आप लोग देखोगे भी हमें ये साइनिंग एग्रीमेंट होते हुए नजर आए। क्या एग्रीमेंट हुआ है कि कंपनी जो ना भी बैटरीज सप्लाई करेगी टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सप्लाई ऑफ बैटरीज अंडर द टेस्ला पावर यूएसए ब्रांड, जो यूएसए की जो कंपनी है टेस्ला, उसके साथ ये बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिले मैन्युफैक्चरिंग और जो ना भी बैटरी सप्लाई करेगी। इतनी बड़ी ये खबर आते नजर आई है तो स्टॉक में तेजी क्यों नहीं बनेगी। 7 तारीख को एग्रीमेंट हुआ, कल के दिन अपडेट आई और शेयर जो ना भी आज के दिन आप लोग देखोगे उफान के ऊपर है। तो यहाँ पर ये हमें डिटेल में देखने को मिली। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी क्या पर्पज है इनका इस कंपनी के साथ जो ना भी पार्टनरशिप का, देखोगे द पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट विद टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ बैटरीज अंडर द टेस्ला पावर यूएसए ब्रांड। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड विल बी द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर पार्टनर ऑफ बैटरीज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर आप लोग देखोगे भी ऊर्जा ग्लोबल आपको बेसिकली पता है भी बैटरी मैन्युफैक्चर करती है, सोलर पावर से रिलेटेड कंपनी है, पैनल वगैरह ये सारी चीज़ें जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे जो ईवी व्हीकल्स हैं वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इन सब के बिजनेस में कंपनी है, तो कंपनी का जो बैटरीज मैन्युफैक्चर और जो सप्लाई का आप देखोगे पार्टनरशिप हुई है वो यूएसए की जो ब्रांड है टेस्ला उसके साथ हमें ये देखने को मिला, जिसके चलते शेयर में कितनी शानदार तेजी बनी है और आगे भी ये शेयर हमें ऐसे ही भागते हुए नजर आएगा। यहाँ से जो इसके ऊपर में टारगेट रहने वाले हैं तो चलिए वो देख लेते हैं भाई, या फिर करंट लेवल पर शेयर को उठाना सही है या फिर नहीं है वो भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि भी आप लोग देखो कितने पिछले 3-4 दिन से शेयर लगातार भाग रहा है, 10 रुपये प्लस निकल चुका है, 10.5 रुपये के आसपास पहुँचा हुआ है। तो ऐसे में अब करंट लेवल के ऊपर खरीदना क्या सही होगा या फिर नहीं, ये जो खबर आई है इसे एक खबर के कारण आप लोग देखोगे सीधा 20% का उछाल शेयर में आते नजर आया। तो चलो देख लेते अभी आगे के टारगेट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक का जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है हाल फिलहाल वो हमारा रहेगा 9.60 रुपये का, 9.60 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूँ इस न्यूज़ के कारण वो हमें देखने को मिल सकता है 12 रुपये का, 12.05 रुपये तक जो शेयर यहाँ से उछाल में आ सकता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे शेयर में कितनी शानदार तेजी बनी और तेजी के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या रही हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ से सीधा स्टॉक 20% के अपर सर्किट में हमें ओपनिंग लेते नजर आया है, जबकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा शेयर के अंदर गिरावट आई थी भाई, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हो गिरावट के बाद जो शेयर है वो हमें कंसोलिडेशन
ऑपरेशन करते नजर आया और नीचे में ही बंद होते हुए नजर आया। तो ऐसे में आप लोग देखोगे कल के दिन शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और आज फिर से जो 20% वो शेयर उछल चुका है। तो इसी तो कहते हैं भाई, एक न्यूज के कारण आप लोग देखो कि कहां से कहां पर शेयर पहुंच चुका है फिर से। तो यहां से ये शेयर ऊपर में आपको जो ना भाई 12.05 रुपये तक जाते हुए नजर आ सकता है इस एक न्यूज के कारण, टेस्ला के साथ जो पार्टनरशिप हुई है इसके कारण। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।